नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो योगी सरकार ने 5 साल संविदा वाला भर्ती नियम जो लगाया है, जो 5 साल किसी को भी सरकारी नौकरी करनी हो तो 5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करेगा, उसके बाद सरकार की चाटू तारीखा की तो अच्छा लगा सरकार को, तभी होगा सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं तो उसको धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। ये योगी सरकार नया नियम लाने जा रही है, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से बता दिया था कि सरकार बनने दो, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी, बनते ही 5 साल संविदा भर्ती नियम को पलट के रख देंगे, किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। ये सरकारी नौकरी में ऐसे नियम हमने पहली बार देखे। 5 साल तक चाटू तारीखा करो, अगर उनको अच्छा लगा उनके भजन गाओ, अगर उनको अच्छा लगा कि ये हमारा अच्छे से भजन कर रहा है तभी उनको परमानेंट किया जाएगा, नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा धक्का मार के, उसको सरकारी नौकरी करने का कोई वही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हो। ये कैसी नौकरी, इसको सरकारी नौकरी बोलते हैं या भक्ति करना बोलते हैं? यही कुछ समझ में नहीं आया। योगी सरकार क्या करने जा रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के युवा जो रोज बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम नहीं, बेरोजगार बनाने का काम कर रही है। मतलब 5 साल रहो, 5 साल के बाद हम सोचेंगे, अगर हमारी भक्ति भाव अच्छा किया तो हम आपको नौकरी पर रखेंगे, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। ऐसी सरकारी नौकरी नहीं होती। और अखिलेश यादव जी ने खुली चुनौती दी है योगी सरकार को, हमारी सरकार बनते ही ये नियम हम हटा देंगे और सभी बेरोजगारों को हम काम देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ही है जो बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी रोजगारी दे पाएगी, नहीं तो आप नहीं दे पाओगे। आप नए नए नियम लगाते रहो और कुछ नहीं कर पाओगे। अखिलेश यादव जी ने खुली चुनौती दी है 2022 में समाजवादी की सरकार बनते ही ये नियम निकाल दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, ये नियम सही है या गलत? कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। नमस्कार।